नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पार्ट साला, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा ही खास वीडियो है, एकदम शानदार है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज एक्सपीरियंस होने वाला है DU यूनिवर्सिटी से BHU में आके पढ़ने का क्या एक्सपीरियंस है, साथ साथ एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। इसी के साथ साथ एक गर्ल्स स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी, हॉस्टल में रहना, खाना पीना सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आके BHU के एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रही हैं, इनका नाम है, मैं चाहूँगा आप ही बताइएगा, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो बताइएगा। मेरा नाम श्वेता शर्मा है और मेरी स्नातक की पढ़ाई हिंदी से DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है और अब मैं BHU के एफिलेटेड कॉलेज आर्य महिला PG कॉलेज से अपनी परास्नातक हिंदी से पढ़ाई कर रही हूँ। एक्चुअली जो ज़्यादा इंग्लिश वाले होंगे मैं बता दूँ, परा स्नातक मतलब होता है PG और उसके पहले स्नातक मतलब होता है UG। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, तो बस इतना बताइएगा कि आज आप मेन कैंपस में आए हो तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत खूबसूरत है ये कैंपस हमारा, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे ही सबसे पहले पूछ लेते हैं कि आपको मेन कैंपस अच्छा लग रहा है या फिर आपका एफिलेटेड कॉलेज अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली बात है, कहाँ पहाड़ कहाँ राई। तो कैंपस बहुत सुंदर है और कॉलेज भी है अपनी जगह पे काफ़ी खूबसूरत। बेसिकली स्टडी कैसा है एफिलेटेड कॉलेज का? स्टडीज़ नो डाउट अच्छी है और होती है। अच्छा, स्टडी अच्छी होती है? हाँ जी। वहाँ के टीचर्स कैसे हैं? बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं कि उनको लगता है कि एफिलेटेड टीचर अच्छे नहीं होते या वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, ऐसा कुछ डाउट? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट हिंदी है तो वहाँ की जो स्टाफ है, वहाँ का जो पूरा टीचर स्टाफ है वो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली कहें तो, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप PG में हो तो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं UG बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सबके लिए बराबर। हाँ, सबके लिए बराबर है। अच्छा, इक्वालिटी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने जब DU में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे 3 साल का पूरा आपने टाइम दिया है, फिर आके यहाँ पे आपका लगभग 2.5-2 साल का टाइम जाने वाला है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है वो 3 सालों का और यहाँ के 2.5-2 सालों का, जो भी 1.5 साल का है आपका? दोनों बहुत अलग है, दोनों बहुत अलग है, बहुत अलग। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एक्चुअली जब आप UG की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप इतने करियर पे फोकस्ड नहीं होते हैं, तो आप थोड़ा इन्जॉय करते हैं क्योंकि नए नए कॉलेज में गए होते हैं तो आप बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं उस मोमेंट को। लेकिन जब आप PG में आ जाते हैं तो आपको फोकस्ड होना चाहिए और होना चाहिए, मतलब हो जाते ही हैं बच्चे क्योंकि जब UG करियर की बात भी आ जाती है, UG से PG में आ रहे तो ऑब्वियस सी बात है अगर उन्हें चुना है तो फोकस्ड ही होंगे तभी चुन रहे हैं, तो बहुत अलग हो जाता है इसमें। मुझे लग रहा है वो जो बात स्टार्टिंग में आपने बोला कि UG में हम लोग जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो हम लोग का 1 साल तो बस एक तरह से फ्रेशर सेलिब्रेशन में चला जाता है। एग्जैक्टली। और फिर PG में आते भाई कैरियर की बात होती है तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तो तब तक हम लोग ज़्यादा मैच्योर भी हो जाते हैं, फिर पढ़ाई वढ़ाई सही हो जाती है। अच्छा, PG में अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ से? हिंदी, एम ए हिंदी। अच्छा, आगे आपका क्या करियर को लेके है? जी, आगे क्या करना चाहोगे करियर? मैं वो UGC नेट क्वालिफाई करके PhD वगैरह का प्लानिंग है, मतलब आपको प्रोफेसर बनना है? जी। अच्छा, वो उसके लिए आपने कौन से कॉलेज चूज करे हैं, मतलब BHU में रहोगे या BHU छोड़ने का प्लानिंग है? नहीं, BHU में फोकस है कि मेन है कि BHU में हो जाए, नहीं तो फिर DU और JNU। DU और JNU। अच्छा, मतलब वैसे मेन कैंपस और एफिलेटेड को जो है, मेन कैंपस और एफिलेटेड को किस रूप में देखते हो? मतलब जैसे एक बच्चों मन में ये भी थॉट रहता है कि इनका एडमिशन तो एफिलेटेड में है, मेन कैंपस में हम पढ़ते हैं प्राउड वाला, तो ये इसको आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये अक्सर डाउट होता है कि यार मेरा मेन कैंपस में नहीं हुआ, तो फिर क्या सोचते हो? देखो, वो तो है कि जो बच्चे सोचते हैं, हाँ ये है कि जो बच्चे रैंक के हिसाब से कॉलेजेस वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं तो ठीक है, जो रैंक स्टार्टिंग का जिनका होता है उनको कैंपस मिल जाता है। लेकिन मेरा जो मैंने खुद से देखा है और समझा है कि जो कैंपस के बच्चे हैं वो शायद ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा, और लाइब्रेरी की वजह से? लाइब्रेरी की वजह से, या फिर कहें तो इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं तो वो लोग खुद से स्टडी करते हैं, और जो स्टाफ होता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो थोड़े बिजी रहते हैं। तो और बाकी जो कॉलेजेस हैं एफिलेटेड, वहाँ पे प्रोफेसर एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं एफिलेटेड में। जी हाँ, तो मुझे ये बात, मुझे भी थोड़ा जो बच्चों मेरे कांटेक्ट में रहते हैं उनसे आइडिया लग जाता है कि प्रोफेसर बच्चों के नाम तक जानते हैं मेन कैंपस में। ये बड़ा मेन कैंपस में ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि प्रोफेसर के टच में बच्चे हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है इनके पास। और फिर बाकी इन्हें प्रोफेसर को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर देते हैं, कोई प्रोक्टोरियल बोर्ड में मेम्बर है,
कोई मेडिकल देखो, मतलब अलग अलग सेक्टर्स होते हैं तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है अगर आपको पढ़ाई पे फोकस्ड होना है तो एफिलेटेड बेस्ट है। अच्छा। और अगर उस पे अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे ध्यान देना है तो आपके लिए कैंपस तो है ही। कैंपस तो है ही जी। और वहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह ये सब मेडिकल भी सब होता है? नहीं, मेडिकल नहीं है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। फर्स्ट एड भी नहीं है, मतलब जस्ट नहीं, फर्स्ट एड है कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर है, एक मेडिकल रूम है अगर आपकी इमरजेंसी होती है। डॉक्टर्स भी आते हैं वहाँ पे, वीक में कुछ 2-3 दिन आते हैं मेरे ख्याल से। मैंने यूज नहीं किया तो मुझे इतना ध्यान नहीं, आइडिया नहीं है। तो हाँ, मेडिकल रूम है इमरजेंसी पे, वहाँ पे सब कुछ हो सकता है आपका, फर्स्ट एड वगैरह। और वैसे मेडिकल की उतनी ज्यादा सुविधा नहीं है। नहीं है। अच्छा, वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह कैसा है एमपीएजी में? स्पोर्ट्स काफी अच्छा है। अच्छा, स्पोर्ट्स अच्छा है जी। स्पोर्ट्स बाकी वहाँ का मुझे कल्चरल एक्टिविटीज बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है वो अक्सर स्टेटस पे वीडियोज में दिख जाता है, वो लग रहा है कुछ ज्यादा अच्छा है। हाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है, लेकिन वहाँ पे ना सीट लिमिटेड होने की वजह से ना वहाँ के प्रोफेसर से आपका एक रिलेशन बन जाता है, जो कि आपके अगर आप नहीं भी जाओ, जैसे मैं अभी बीमार हो गई थी, मैं 1 वीक तक कॉलेज नहीं जा पाई थी, तो मेरी प्रोफेसर्स ऐसे थी कि वो कहाँ गई, क्या अच्छा, हुआ उसे? इतना उनके दिमाग में रहता है कि वो जो सुनीता श्वेता है वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। अच्छा, तो उनके दिमाग में है कि बच्चे हैं अगर नहीं आ रहे तो क्या हुआ। जैसे मैं दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ, हॉस्टल में रह रही हूँ, तो उनको एक और चीज लगती है कि हॉस्टल में रहती है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, घर तो नहीं चले गए बिना इन्फॉर्म किए, कैसे घर चले, फिकर रहती है जी, फिकर रहती है। तो रिलेशन काफी अच्छा हो जाता है, रिलेशन बहुत अच्छा है। चलो, ये बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल स्टडी की बातें तो बहुत हो गई, आप बनारस में रहते हो, आपका बनारस, सबसे पहले बनारस की अच्छी चीज जानना चाहेंगे, क्या क्या अच्छा लगता है बनारस में आपको? यहाँ का कल्चर, वाओ, वेल डन। और कल्चर, यहाँ के लोग बहुत हम्बल, पोलाइट और हेल्पिंग नेचर वाले। हाँ जी। और यहाँ के घाट, वाओ, हाँ, ये बहुत अच्छा है, 80 घाट टोटल जितने भी 80 घाट। और बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, बहुत बढ़िया, वो अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। और क्या अच्छा लगा? और लॉन्ग लता, लॉन्ग लता। अच्छा, वो लग रहा है गाना सुना है। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओवरऑल अच्छा, प्लेस की बात करें, आपके कुछ फेवरेट प्लेसेस कौन कौन से हैं बनारस में? वैसे तो मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, ज़्यादा घूमे नहीं। स्टिल जी, 80 में एक बार गई थी, कुछ 20 मिनट के आसपास, काफ़ी सुंदर दिखा वो भी। और यहाँ पे लंका गेट वगैरह, या गोदौलिया रथ यात्रा, गोदौलिया बहुत भीड़ भाड़ वाला बहुत है, ट्रैफिक बनारस में ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली छोटा नगर है, छोटा है और उसमें लोग इतने आते हैं इसकी सुंदरता को देखने के लिए। बनारस में ट्रैफिकिंग होने के रीजन ये है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इस समय बना दिए गए, जैसे कि हॉस्पिटल भी यहीं पे है, यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है, यहाँ पे महात्मा गांधी, हरिश्चंद्र कॉलेज है, यूपी कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस, स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक के कॉलेजेस हैं, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रामा सेंटर यहीं पे हैं, यहीं पे आपका इस बार भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भी यहीं बन चुका है। तो इतनी सारी चीज़ों की वजह से जो है वो यहाँ पे भीड़भाड़ भाई होगा ही होगा। तो अच्छा, और हम लोग अगर बनारस का कुछ आपको ऐसा लगा हो, जैसे कि आप गर्ल्स के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि इनसिक्योरिटी टाइप की कोई चीज़ अगर आपको लगी हो ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, किसी भी शहर में क्या होता है ना, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह का माहौल होता है, तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। हाँ जी। तो अगर पॉजिटिव देखें तो बहुत सुंदर है, अगर नेगेटिव देखें तो भी बहुत ही अच्छा लेवल पे है। अच्छा। नेगेटिव पॉइंट्स भी, मतलब यहाँ पे जो व्हीकल्स है, जैसे मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने मेरे साथ जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं जूनियर, उनका भी मैंने सुना, तो मतलब जो व्हीकल वाले, जो रिक्शे वाले, ऑटो वाले, टोटो वाले, ये लोग का जो नेचर है वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सेफ महसूस नहीं करते हम उसमें। अच्छा, कहीं ना कहीं वो लोग का मिस भी है और अच्छा नहीं है, बिहेव नहीं है, बिहेव अच्छा नहीं है गर्ल्स को लेके, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो ध्यान देनी चाहिए, मतलब खासकर लड़कियों को यहाँ आती हैं, उन्हें आप, हो सकता है उन्हें ना पता हो और आपको लग रहा है कि ये चीजें उन्हें अवेयर करानी चाहिए? ओवरवेलमिंग नेचर जो होता है ना लड़कियों का, कि लाइक बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, किसी की भी हेल्प कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जैसे मेरे हॉस्टल में एक लड़की है, जूनियर है, बीए पार्ट 1 में है अभी। अच्छा, वो अच्छा, तो उनके साथ क्या हुआ, वो रिक्शे में बैठे थे, तो रिक्शे वाले ने कहा कि लाइक आपके फोन से एक फोन कर सकते हैं, मुझे मेरी फैमिली में कॉल करके बताना है मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप अपने फोन से फोन करिए, आप गाना सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा फोन, मेरे घर वालों ने शायद मेरा नंबर गलती से ब्लॉक डाल दिया है। पॉलिटिक्स जी। तो अब वो बच्ची छोटी, पता नहीं, उसने कॉल कर दिया, उसके बाद
जो उसका नंबर चला गया उसके बाद फिर वही परेशान करने लगे। हाँ, मैसेजेस ये घटना जो है ये मेरे को दिमाग में आ रहा है, ये कुछ केसेस में और भी हुआ है कि दिमाग लगा के, इवन एज भी मैटर नहीं करता है, 40, 42, 30 ऐसे लोग हैं, ये लोग बस जस्ट बोल देंगे कि कोई भी रीजन मेरे में बैटरी डेड है। बच्ची को लगा, उसको लगा कि है अंकल है, हाँ, थोड़े अंकल एजेट है वो, हाँ, क्या ही करेंगे, सच में रीजन हो सकता है, रीजन हो सकता हाँ, है। बाद में फिर वो लोग परेशान करते हैं, वो बाद में परेशान, ये चीजें दिमाग में, बच्चे डरते भी है घर में बताने से क्योंकि फर्स्ट ईयर अभी छोटी बच्ची है, हाँ, तो अगर वो घर में बताएगी तो उसको यही डर है कि मम्मी उसको बुला ना ले वापस, फ्रीडम उनकी और ज्यादा, फ्रीडम छिन जाए कभी की, गलती उसकी नहीं है, हाँ, गलती उस इंसान की है जिसने ऐसा किया, उसने तो हेल्प करना चाहा, लेकिन वो डर एक रहता है, हाँ, कि वो फिर इनसिक्योरिटी फील करेंगे घर वाले, जी, तो जी, सोचेंगे कि जी, जी, अरे मोबाइल ऐसे कर दो, घर बुला लो, छुट्टियों में तुरंत बुला लेंगे, जी, ऐसा जी, हाँ, वही सब। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लड़कियों को ध्यान देना रहेगा और क्या। ठीक है, एक बार मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा, देखो उनके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस मतलब ये है कि भाई आप पब्लिक जगह पे मोबाइल मांग रहे हो तो आपके पास वहाँ पे शॉप्स है, वहाँ पे और भी लोग हैं, आप उनसे बोल दो, मुझे नहीं लगता है कोई अगर मना करे। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप ही हो वहाँ पे जिसके पास मोबाइल है और आपकी कॉल से उनका फायदा हो सकता है या कोई बहुत हेल्प हो सकता है, तब आप ऐसा करो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, आप उनसे जाके लो, वहाँ मेल पर्सन भी हैं, आपको अगर गर्ल्स से भी लेना है तो वहाँ पे और भी लोग हैं जो वहाँ के दुकान पे मिल जाएंगे, वहाँ के नेटिव होंगे। अब ऐसे माइग्रेटेड लड़कियाँ जो हैं दूर से आगे पढ़ रही हैं या कहीं से भी आगे पढ़ रही हैं, उनसे इस तरीके से चीज़ें, तो ये केसेज कुछ और भी सीन में मुझे देख सुनने को मिला था, और आज बड़ा सही आपने, बहुत कोई बताता नहीं ऑन कैमरा लेकिन कितना जेन्युइन बात बताया आपने, दिमाग में बैठा लो कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अच्छा, बाकी और मेस वगैरह कैसा है, भोजन वगैरह यहाँ का, मेस हॉस्टल में रहते हो आप? जी जी। मेस कैसा है? मैं तो जो कॉलेज की स्टाफ हैं, लाइब्रेरियन है, अच्छा, डॉक्टर बबली सिंह, उनके ही हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, तो मेस हॉस्टल का कैसे ही हो सकता है, मतलब घर की तरह नहीं होता बस, हाँ ये है, जीने लायक है। अच्छा, मेन स्कूलों के सबका वही, IMS से लेके IIT, BHU मेन कैंपस तक बात करोगे सबका वही रहता है कि रोटियाँ ऐसी होती हैं, सब्जी में वो टेस्ट नहीं होता है, घर के जैसी थॉट फीलिंग तो नहीं आएगा भोजन में। हाँ, वो चलिए, घर को मिस करोगे, मम्मी को मिस करोगे, बेशक मिस करेंगे। हाँ, अच्छा, ओवरऑल हम लोग और एक बात दो बात जानना चाहेंगे कि जैसे लड़कियां जो हैं यहाँ पे पढ़ने आ गई हैं और इनके पीछे हजारों लड़कियों को मौका नहीं मिला है पढ़ने का कैंपस में, जैसे आप आते हो तो आपके पीछे जी, एक बहुत लंबी कतार है जो लड़कियों को मौका नहीं मिला, जी, जी, खासकर बहुत सी लड़कियों को तो घर से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब उनको क्या, आप ऐसा क्या कुछ कर रहे हो कि उन्हें अच्छा लगे कि हाँ उनके फैमिली वाले अग्री हो जाए, वो भेजें कि अपनी उनकी बेटियां भी बाहर आके पढ़ाई करें? देखिए, मेरा मानना है या फिर मेरे फैमिली का भी मानना है, जैसे मेरा कैंपस में एडमिशन ना होके एफिलेटेड में हुआ तो पहला क्वेश्चन यही था कि लाइक वहां तक क्यों नहीं पहुंचे, मेन कैंपस में क्यों नहीं हुआ। हाँ, मेन कैंपस में क्यों नहीं हुआ। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो एफिलेटेड तक भी नहीं पहुंच पाए। अच्छा। और कुछ लोग हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के हॉल तक भी नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप किसी चीज को लेके फोकस रहिए, ये नहीं हर लोग स्टडीज़ के लिए नहीं होते। हाँ। तो वैसे ही किसी भी चीज़ के लिए जो आपको अच्छा लगे उसके लिए फोकस रहिए, घर वाले मना करते हैं लेकिन एक टाइम पे आके मान जाते हैं। अच्छा, नहीं, और थोड़ा सा घर वालों को अगर ये, जैसे आपने बोला इनसिक्योरिटी वाली बात, बहुत सारे फैमिलीज को तो ये बार बार उन्हें लगता है कि यार लड़की बाहर जाके नहीं पढ़ सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी दिल्ली से आई हूँ और मेरे ख्याल से दिल्ली बहुत काफ़ी पॉश एरिया है यहाँ से ज़्यादा, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पे भी है, फैमिली को घर से दूर ही हूँ मैं, काफ़ी दूर हूँ, लेकिन आप अगर डरेंगे तो शायद कोई आप पे डोमिनेट हो पाए, लेकिन आप सशक्त रहिए और क्या, अगर आप कहीं पे भी रहेंगे, हाँ, जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहिए, किसी पे इतना ज़्यादा भरोसा, किसी का इतना ज़्यादा हेल्प मत करिए, ओवरवेलमिंग मत होइए। हाँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा लगेगा कि हाँ वो इमोशनली आपको इमोशनली डैमेज करेंगे, फिर आपका लॉस होगा। जी, आपको लॉस करेंगे। देखो, एक अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, इनका 3 साल UG करा है, PG में है, तो ये चीज़ें जो बता रही है बहुत एक्सपीरियंस चीज़ें हैं। जी। अच्छा, फिलहाल आपको
बीएचयू पाठशाला को लेके क्या व्यू है, कैसा लगता है? हाँ, तो ये जो नीर सर का जो चैनल है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा, मेरे को, मैं बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरा एडमिशन का टाइम था तो मैंने इन्हीं के चैनल को देख के इनको बहुत परेशान किया है मैंने कॉल कर करके, और इवन इनका जो स्टाफ है आपका कुछ जो काउंसलिंग वाला, हाँ काउंसलिंग वाला, एक्चुअली काउंसलिंग के टाइम पे हम लोग काउंसलिंग भी कराते हैं जी, तो काउंसलिंग वाला जो स्टाफ था तो मैंने बहुत परेशान किया है। कई कई बार ऐसे होते ना, दो दो बार कॉल नहीं उठाया या फिर बिजी जा रहा है, मैं तो बिल्कुल पेशेंस नहीं था मुझ में, मैं रात के 10:30-12 बजे भी कॉल करके परेशान करती थी, मुझे बता दीजिए प्लीज़ बता दीजिए। बट हाँ, बहुत हेल्प मिली मुझे और एडमिशन लास्ट तक ऐसा हुआ कि हम लोग अब एक्चुअली काउंसलिंग में क्या होता है कि नहीं, वो मैंने जब एक्चुअली जो काउंसलिंग टीम है उनसे मैंने ये बात बोल भी रखी थी कि देखो काउंसलिंग जो होता है वो ऐसा समय है कि थोड़ा सा लापरवाही करोगे ना एडमिशन बेकार हो जाएगा, हो नहीं पाएगा, मिस हो जाता, तो इसलिए लड़कों से यानी स्टूडेंट से ज़्यादा हम लोग उसमें एक्टिव रहते हैं, कुछ भी हो जाए काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कैसे भी करके इनके टाइम है। अरे मैंने बहुत लोगों के तो ग्राउंड लेवल पे आके काउंसलिंग सही करने की कोशिश करी है, यानी ऑफिस में जाके यहाँ पे जाके ऐसे करके। अच्छा, वो बहुत थैंक यू सो मच बीएचयू पाठशाला के लिए इतने बहुत ही ग्राउंडेड बात करने के लिए। फाइनली ओवरऑल ये वीडियो जो है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फाइनली आपको लास्ट में कुछ बोलना है तो आप बच्चों को बोलना है मोटिवेशन के तौर पर। देखिए, जहाँ भी हैं आप, घर वालों को इतना भरोसा दिलाइए कि आपको कोई यूज़ नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, मेंटली या किसी भी तरीके से हैरेस नहीं कर सकता। तो आप लोग अगर एडमिशन लेते हैं तो बस इस पे निर्भर रहिए कि आप लोग खुद से आए हैं, खुद से करेंगे और खुद से पढ़ के अच्छे नंबर लेके अच्छा रिलेशन बना के प्रोफेसर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा और मैं ये इंटरव्यू दे पा रही हूं। ये बात मैंने आपके साथ इसलिए रखी भी थी ये टॉक, क्योंकि मुझे लगा कि डी यू से आके बी एच यू में पढ़ने का एक अलग अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोगों को जरूर पता चलना चाहिए, और हर कोई इतनी ग्राउंडेड बात बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये बातें जब पता चलेगा तो एक्चुअली जो चाहे गार्जियन, क्योंकि ये वीडियो चाहे गार्जियन देखे ये वीडियो, चाहे स्टूडेंट्स देखे, दोनों के लिए ये बात एक्चुअली हेल्पफुल होगा कि हाँ एफिलेटेड का क्या माहौल है, यहाँ पे लड़कियों के लिए क्या माहौल है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग डरे होते हैं, समय होते हैं यार, इनसिक्योर सिटी है, अच्छी सिटी नहीं है, बहुत सारे को लगता है। एडमिशन के टाइम पे भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे गार्जियंस ने ये चीज़ें फेस करी थी जी, कि एफिलेटेड कैसा है, माहौल कैसा है, नहीं एरिया कैसा है, सब चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। कैंपस के अंदर अगर आप हैं तो बहुत सेफ है, सिक्योर, हाँ वो सेफ लगता है। और जब एफिलेटेड की बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी पर्पस आ जाता है आपका, और एरिया कैसा है, लोग कैसे हैं, ये सब आ जाता है। लेकिन जो मेरा कॉलेज है वो बिल्कुल चेतगंज थाने के सामने ही, सामने ही है, जस्ट सामने, अच्छा मार्केट के बगल में, तो बिल्कुल बगल में, बहुत अच्छा एरिया है, काफी रौनक वाला एरिया है, दिन से शाम तक काफी अच्छा रहता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि जंगल पहाड़ में बना हुआ है, आरजीएसटी की तरह नहीं है, वो काफी अच्छे जगह पे, मार्केट में है, मेन सिटी में है, मेन सिटी में है, और उससे ही आगे कुछ 1-1.5 किलोमीटर के अंदर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ जी का मंदिर भी, हाँ काफी, मतलब अगर आप ना भी चाहें तब भी वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है तो मुझे लग रहा है सावन में तो खासकर बहुत ज्यादा बोल बम तो एक बार हो भी जाए, बोलिएगा हर हर महादेव। तो दोस्त प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। बाय 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 बाय।